सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सफेद मूसली चूर्ण के क्या फायदे होते हैं और इसे आप लोग कैसे ले सकते हैं। कितने ही युगों से औषधीय जड़ी बूटियां जनजीवन के कल्याण के लिए प्रयुक्त की जाती रही है। सतयुग में संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के मूर्छित शरीर में जान भर दी थी और कलयुग में असंख्य औषधियां कितने ही लोगों को प्राण के प्रवाह से सिंचित कर रही है। उन्हीं असंख्य औषधियों में से एक है सफेद मूसली। सफेद मूसली का प्रयोग चिकित्सा प्रणाली में बहुत ही व्यापक है और अनेक रोगों का उपचार करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। सफेद मूसली चूर्ण सफेद मूसली की जड़ का पाउडर है। सफेद मूसली एक ऐसा उपजाऊपन टॉनिक है जो दिमाग, नसों और प्रजनन अंगों को ताकत देती है। इस टॉनिक में पाई जाने वाली जड़ी बूटी शरीर के सभी टिश्यूओं में पहुंचकर काम करती है, साथ ही साथ प्लाज्मा और प्रजनन अंगों पर भी काम करती है। सफेद मूसली में कई तरह के लाभदायक गुण होते हैं, जैसे कि रासायन, जीवनीय, वाजिकारक, शुक्ल औजवर्धक, पित्तशामक और सतन्य। आपको बता दें कि इसके सेवन से शरीर में सूजन कम होती है। कई तरह के गुणों के कारण यह वीर्य को न सिर्फ गाढ़ा बनाता है बल्कि साथ ही साथ शीघ्र पतन, बांझपन और स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी लाभकारी होता है। यह एक पौष्टिक टॉनिक है जो वजन को बढ़ाने में सहायता करती है। इसके सेवन से शरीर में ठंडक आती है जिसकी वजह से पेशाब की जलन, पेट की जलन, अधिक पित्त की समस्या, पेशाब की बदबू में फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी सफेद मूसली चूर्ण के फायदे के बारे में। सफेद मूसली का चूर्ण आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। इसमें कई ब्रांड होते हैं, आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का श्वेत मूसली चूर्ण ले सकते हैं। और फ्रेंड, इसकी कीमत भी काफी कम होती है। मार्केट में वैसे तो काफी सारे ब्रांड हैं, लेकिन जो ब्रांड सबसे फेमस है वो है बाबा रामदेव पतंजलि ब्रांड। आप पतंजलि का सफेद मूसली चूर्ण ले सकते हैं जो आपको 325 रुपए में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्योंकि आपको ऑनलाइन यह लेने से कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। सफेद मूसली एक कांटेदार पौधा होता है। इस पौधे की जड़ और बीज को पीसकर इसका चूर्ण या पाउडर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो सफेद मूसली के काफी फायदे होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे सबसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, सेक्सुअल वेलनेस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। सफेद मूसली के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे कि सफोनिल कहा जाता है। सफोनिल के जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारे प्रीडोमिनेंट मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ही वो मेल हार्मोन्स होता है जो कि हमें मसल्स, साइज, स्ट्रेंथ और स्टेमिना प्रोवाइड करता है। तो जब आप सफेद मूसली पाउडर को कंज्यूम करेंगे तो ये आपके बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। यह थकान और कमजोरी के लिए भी लाभकारी होता है। यह वजन बढ़ाने के लिए भी लाभकारी होता है। अल्प शुक्राणुगुणता के लिए भी यह लाभकारी होता है। स्वप्न दोष के इलाज के लिए भी इसका उपयोग काफी लाभकारी माना गया है। स्तंभन दोष के लिए भी इसका इलाज काफी माना जाता है क्योंकि यह लिंग उत्तक को ताकत प्रदान करता है, कठोरता में सुधार करता है और लंबे समय तक उत्सर्जन को बनाए रखने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से ताकत प्रदान करता है, टेस्टो पर कार्य करता है, हार्मोन्स प्रोफाइल में सुधार करता है और शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। गठिया और संयुक्त दर्द के लिए भी लाभकारी होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और तनाव और अवसाद का सामना करने में भी हमारी मदद करता है। यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी उपयोगी है क्योंकि इससे दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सफेद मूसली के चूर्ण के फायदे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी सफेद मूसली चूर्ण के
साइड इफेक्ट के बारे में। निर्धारित खुराक लेने से इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इस दवा के लेने से कब्ज की शिकायत बढ़ती है तो त्रिफला, इसबगोल की भूसी आदि का सेवन आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चूर्ण को लेते हैं तो आपको पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पीना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि सफेद मूसली चूर्ण को आपको कब प्रयोग नहीं करना होगा। अगर आपके शरीर में यदि बहुत अधिक बलगम, छाती में जकड़न हो तो इस दवा का आप सेवन न करें। अधिकांश दुष्प्रभाव असामान्य होते हैं और उपेक्षित हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो कभी कभी मेडिकल ध्यान देने की जरूरत दे सकते हैं। जैसे कि सफेद मूसली का अत्यधिक सेवन करना उचित नहीं है। इसमें मौजूद फाइबर नमी को कम करने और मल को कड़ा करता है। इस प्रकार बदले में छोटी आंत में आंत्रा आंदोलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आप आंत में एक बांधा का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कब्ज, ऐंठन और दर्द के साथ। दूसरा जो इसका दुष्प्रभाव है वो है, इस सब्जी को लेने के बाद कई मामलों में एलर्जी संबंधित प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे आंख की सूजन, बहती नाक, बंद नाक, चिड़चिड़ापन और खुजली, त्वचा पर खुजली होना, जी मचलाना, हल्कापन, चक्कर आना, सर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, ये सारी चीजें सफेद मूसली के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी सेवन विधि और इसकी कितनी मात्रा हमें लेनी है। एक चम्मच 5 ग्राम दिन में 2 बार सुबह और शाम लें। इसे दूध के साथ लें, इससे फायदा ज्यादा होगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये सलाह भी दूंगी कि इसको लेने से पहले आप लोग एक बार डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, क्योंकि हम सभी का शरीर अलग अलग होता है और अगर हम में से किसी ने भी ये ले लिया और उसे कोई पहले से ही कोई और प्रॉब्लम हो तो उस पे ये उल्टा रिएक्शन भी कर सकता है। तो इससे लेने से पहले एक बार डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस चूर्ण को ज्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि इससे कफ बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी कैसे सफेद मूसली चूर्ण हमारे लिए फायदेमंद होता है और ये चूर्ण ज्यादा मात्रा में पुरुषों के लिए लाभकारी होता है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।